ये सबसे ज्यादा क्लासी, सबसे ज्यादा सेक्सी और सबसे ज्यादा किलर बॉडी शेप होता है। कैसे हो मेरे स्वैगर भाइयों? तो गाइज, अगर आपको लगता है कि आप लोग कुछ भी पहन लोगे और आप पर आपके कपड़े सूट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि अगर आप लोग कपड़े अपने बॉडी के टाइप के हिसाब से नहीं पहनोगे, तो आप पर आपके कपड़े बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। तो आगे से आपको जब भी कपड़े पहनने हैं, अपने बॉडी के शेप के हिसाब से पहनने हैं। पर अगर आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी का शेप कैसा है और आपको अपनी बॉडी पर कैसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि आप पर सूट करेंगे, तो आज का वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फुल डिटेल में इस टॉपिक के बारे में। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, तो जाके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपके काम की हर वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा सेक्सी बनाएगी, बहुत ही ज्यादा किलर बनाएगी, बहुत ही ज्यादा हैंडसम बनाएगी। क्योंकि गाइज, मेरा मिशन है आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना। तो गाइज, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके आओ और आके वीडियो को पूरा देखो। व्हाट्सएप स्वैगर्स, मेरा नाम है अंकित और मैन स्वैग की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपना बॉडी टाइप कैसे पहचान सकते हो और आप लोग अपने बॉडी टाइप पर कैसे कपड़े पहन सकते हो जो कि आप पर बहुत ही ज्यादा सूट करेंगे। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत कमाल का है और आपके बहुत काम आएगा। तो वीडियो को आपको एंड तक ध्यान से देखना है और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारे पास जो बॉडी टाइप होते हैं, वो होते हैं टोटल 5 टाइप के बॉडी टाइप: इनवर्टेड ट्रायंगल, ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बातें करेंगे इनवर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप के बारे में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। सो गाइज, अगर आपका बॉडी शेप इनवर्टेड ट्रायंगल है, तो आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, पहले तो बात कर लेते हैं कि किन लोगों की बॉडी ऐसी होती है। जो लोग ज्यादा जिम जाया करते हैं, उनके शोल्डर्स थोड़े से ज्यादा निकल आते हैं। और अगर आप लोग जिम जाते हो, आपकी अपर बॉडी बहुत ही ज्यादा आपने अच्छे से बिल्ड करी हुई है, आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट ऐसे कुछ निकल के आ रहे हैं एकदम, तो फिर आपका जो बॉडी शेप है वो है इनवर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप। और आपको यहाँ पर हमेशा ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे कि लोगों का जो अटेंशन है वो आपके कंधों की बजाय, आपके शोल्डर्स की बजाय, आपकी पूरी बॉडी पर जाए। तो आपको पहली चीज तो यहाँ पर ये करनी है कि आपको जो क्रू नेक और जो कॉलर्स वाली जो पोलो टी शर्ट होती है, इनको नहीं पहनना है। आपको यहाँ पर हमेशा वी नेक टी शर्ट पहननी है और आपको यहाँ पर बेल्ट जरूर पहननी है, जो कि आपकी लोअर बॉडी में और अपर बॉडी में एक ब्रेक लेकर आती है। अगर आप बेल्ट पहनते हो तो उससे लोगों का अटेंशन आपकी वेस्ट पर जाता है, तो आपको यहाँ पर एक अच्छी दिखने वाली बेल्ट जरूर पहननी है। साथ ही, क्योंकि आपकी जो बॉटम पार्ट आपकी जो बॉडी का है, यहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है नॉर्मली, क्योंकि आपकी अपर बॉडी इतनी ज्यादा खतरनाक है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप के शूज पहनने हैं जो कि लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचे। तो आपको यहाँ पर बूट्स पहनने हैं, क्योंकि बूट्स जो होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं, जो कि आपके हैवी शोल्डर्स के साथ में बैलेंस करेंगे आपकी बॉडी को और आपके लुक को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करेंगे। एंड गाइज, आपको यहाँ पर एक चीज बिल्कुल नहीं करनी है, आपको जो बटन शोल्डर वाली शर्ट्स होती हैं उनको नहीं पहनना है, उससे आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा चौड़े दिखते हैं। और साथ ही आपको जो पैडिंग वाली जैकेट्स होती हैं, जिसमें कि आपके जो शोल्डर हैं वो बहुत ज्यादा हैवी दिखते हैं, उनको भी नहीं पहनना है, आपके शोल्डर पहले ही बहुत ज्यादा हैवी है। और अगर आप कुछ ऐसा कपड़ा पहन लोगे जिससे आपके शोल्डर और ज्यादा हैवी हो जाए, तो फिर आपके जो लुक है ना, उसकी वाट लग जाएगी। तो गाइज, आपको यहां पर हमेशा ऐसे कपड़े पहनने हैं जो कि आपकी बॉडी को बैलेंस करें और आपके जो हैवी शोल्डर हैं इनके साथ में आपकी लोअर बॉडी की तरफ भी लोगों का अटेंशन लेकर जाएं। सेकंड बॉडी शेप है रेक्टेंगुलर बॉडी शेप, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड गाइज, अगर आपका बॉडी का शेप रेक्टेंगल है, तो फिर ये चलेगा यार, क्योंकि एक अच्छा बॉडी शेप होता है। इस पर आप कुछ भी टाइप के कपड़े पहन सकते हो, बस यहां पर एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, इसमें जो आपके शोल्डर्स हैं वो आपकी वेस्ट के साथ में सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग कुछ भी ऐसा पहनते हो जिससे आपके शोल्डर्स थोड़े से वाइडर हो जाएं, तो आपका जो बॉडी का शेप है वो देखने में लगेगा ट्रेपेजियम बॉडी शेप, जो कि एक आइडियल बॉडी शेप होता है जिस पर सब कुछ अच्छा लगता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ भी ऐसा कपड़ा पहनना है जिससे कि आपके शोल्डर्स थोड़े से वाइडर हो जाएं। तो आप लोग यहाँ पर बटन अप शोल्डर्स वाली जो शर्ट होती हैं उनको पहन सकते हो, जो कि कुछ ऐसी दिखती हैं। साथ में आप लोग यहाँ पर जो कोट है, ब्लेजर है, या फिर हाई पैडिंग जो डबल पैडिंग वाली जैकेट्स हैं उनको पहन सकते हो। इन सभी से आपके जो शोल्डर हैं वो थोड़े से वाइडर दिखेंगे, या आपके शोल्डर्स पर थोड़ा सा बल्क ऐड करते हैं, थोड़ा सा हैवी दिखाते हैं, और आपका जो लुक है इसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। सो गाइज, आपको यहाँ पर बस एक ही चीज़ पर फोकस करना है कि आपकी जो रेक्टेंगल बॉडी है ये लोगों को थोड़ी सी ट्रेपेजियम टाइप की दिखे, तो आपको थोड़ा सा शोल्डर्स को ब्रॉड करना है। और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पहननी है हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके अलावा आप चाहे तो यहाँ पर कपड़ों को लेयरिंग करके पहन सकते हो। लेयरिंग करने से क्या होगा, अगर आप टी शर्ट के ऊपर शर्ट को पहनते हो ओपन करके, तो इससे भी आपके जो शोल्डर्स हैं यहाँ पर थोड़ा सा बल्क ऐड होता है, थोड़े से हैवी होते हैं, और आपका जो बॉडी का शेप है वो रेक्टेंगल से ट्रेपेजियम बन जाता है। सो गाइज, ये है कुछ ईजी ट्रिक जिससे आप अपने रेक्टेंगल बॉडी शेप को बहुत ही ज़्यादा कूल बना सकते हो।
थर्ड बॉडी शेप है ट्रायंगल बॉडी शेप, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइज अगर आपकी बॉडी का शेप ट्रायंगल है तो यार आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि जो ट्रायंगल बॉडी शेप है इस पर नॉर्मली हर टाइप के कपड़े सूट नहीं करते हैं। पर अब मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ इसको जानने के बाद आप लोग अपनी बॉडी का शेप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। कैसे, चलिए जानते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी जो बॉडी का शेप है वो ट्रायंगल लोगों को ना दिखे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक सेकंड ना, क्या लगा यार, आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपका जो पेट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो जाता है। आप लोग यहाँ पर आपकी जो पेट और जो कमर और जो हिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। और आप लोग इनको कम कैसे कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस बियर छोड़नी है, केक भी खाना छोड़ना है, मीठा छोड़ना है और थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, बस जिम जाना है, 2-3 घंटे पसीना बहाना है और आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। है ना ईजी? नहीं है। तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, आप लोग इनको अप्लाई करके बाकी जो मैंने अभी आपको एक सस्ता सा बहुत सिंपल सा तरीका बताया था उससे पीछा छुटा सकते हो। तो ट्रिक क्या है, आपको बस ट्राई करना है कि आप लोग जो वर्टिकल स्ट्राइप्स वाली शर्ट होती है, वर्टिकल स्ट्राइप्स क्या होता है, ऐसी शर्ट, वर्टिकल मतलब कि ऐसा, तो आपको यहाँ पर जो वर्टिकल स्ट्राइप्स वाली शर्ट होती है इनको पहनना है। इससे लोगों का अटेंशन आपके शोल्डर्स पर जाएगा। अब ट्रायंगल जो शेप होता है इसमें आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तो आपको कभी भी पोलो टी शर्ट नहीं पहननी है। इसमें क्या होता है, आपकी गर्दन तो दिखती नहीं है तो आपकी इससे हाइट भी कम लगेगी, साथ में आपके शोल्डर्स भी ऐसे दिखेंगे, कर्वी दिखेंगे, छोटे से दिखेंगे, पतले से दिखेंगे और आपका लुक बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देंगे। तो आपको पोलो टी शर्ट नहीं पहननी है, आपको हमेशा यहाँ पर भी वाइडर शोल्डर वाइडर कॉलर वाले जो कपड़े होते हैं उनको पहनना है, जैसे कि यहाँ पर जो डबल पैडिंग वाली जैकेट्स हैं, बटन शोल्डर्स वाली शर्ट हैं, या फिर जो भी शर्ट जिनके बारे में बात कर चुके हैं पिछले पॉइंट में, उन चीज़ों को पहन सकते हो जिससे कि आपके शोल्डर पर थोड़ा सा बल्क आए, हैवी दिखे और वाइडर दिखे, और इससे आपका जो ट्रायंगल शेप है वो ऐसी की बजाय थोड़ा सा रेक्टेंगल वाली कैटेगरी में आने लग जाएगा। साथ ही आप लोग यहाँ पर ट्राई करो कि आप लोग जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स होते हैं, अगर आपको कोई ऐसी शर्ट मिलती है जिसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बने हैं आपके अपर पार्ट में, तो उनको पहनो। इससे लोगों को देखने में एक ऐसा विजुअली ऐसा इफेक्ट दिखेगा कि आपकी जो अपर बॉडी पार्ट है ये थोड़ी सी ब्रॉड है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइंस हैं उनको नीचे वाले पार्ट में भी अपने स्टमक एरिया में भी पहनते हो तो इससे आप और ज़्यादा मोटे दिखोगे। साथ ही आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो जो कि बहुत ईजी है, आप लोग यहाँ पर अपर बॉडी पार्ट को थोड़ा सा जो ब्राइटर कलर होते हैं उनके साथ में कवर करो, मतलब आपकी शर्ट का जो अपर पार्ट है वो ब्राइट कलर का है, तो उससे लोगों का अटेंशन आपकी अपर बॉडी पे पड़ेगा और लोगों को आपका मोटापा नहीं दिखेगा और आपका जो लुक है वो ट्रायंगल पता नहीं चलेगा। तो गाइस ये है कुछ बहुत ही आसान जो ट्रिक जिनको अप्लाई करके आप लोग अपना जो ट्रायंगल बॉडी शेप है इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हो बिना जिम जाए। फोर्थ बॉडी शेप है ओवल बॉडी शेप, और ओवल बॉडी शेप कुछ ऐसा होता है। सो गाइस अगर आपका बॉडी शेप ओवल है तो आपको भाई ट्राई करना है कि आपकी जो ये एकदम कर्वी बॉडी है ये थोड़ी सी एंगुलर बॉडी दिखे, देखने वाले को लगे कि आपकी बॉडी में थोड़े बहुत एंगल्स हैं, मतलब कि आपके जो शोल्डर्स हैं थोड़े से ब्रॉड हैं और आपका ये जो गोल मटोल सा बॉडी का शेप है ये लोगों को थोड़ा सा लंबा दिखे, यानी कि आपकी हाइट भी यहाँ पे ज़्यादा दिखनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जिनकी बॉडी का शेप ओवल होता है यहाँ पर इनकी हाइट थोड़ी सी लोगों को कम दिखती है। तो आपको यहाँ पर कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको ट्राई करना है कि आप लोग जो वर्टिकल स्ट्राइप्स वाली शर्ट्स होती हैं इनको पहनो। आप लोगों को हमेशा टी शर्ट और शर्ट ऐसी पहननी है जिनमें वर्टिकल स्ट्राइप्स हो, जिससे कि देखने वाले को आपकी जो हाइट है वो लोगों को ज़्यादा दिखे, आप लोगों को लंबे दिखो। और साथ ही आपको यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, वो यही है जो कि बहुत ही कॉमन है जिसको हम बार बार रिपीट करते आ रहे हैं, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो थोड़े से वाइट दिखे, आपकी जो कर्वी बॉडी है वो लोगों को एंगुलर दिखे। तो आपको यहाँ पर फिर से सेम चीज़ मैं बोलूँगा कि जो बटन शोल्डर्स वाली शर्ट है वो पहननी है, जो कोट है ब्लेजर है जिनसे आपके जो शोल्डर्स हैं वो वाइडर दिखते हैं उनको पहनना है, या कुछ भी ऐसा पहनना है जिससे कि आपके शोल्डर्स थोड़े से हैवी दिखें। सो गाइज आप लोग यहाँ पर अपनी इस कर्वी बॉडी को बहुत ही आसानी से थोड़ा सा रेक्टेंगुलर थोड़ा सा एंगुलर दिखा सकते हो, और आपको यहाँ पर बस कुछ बेसिक चीज़ें ही करनी है, जैसे कि जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है उनके अलावा आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो कि आप लोग मैचिंग कलर्स पहनो, इससे आपकी जो हाइट है वो ज़्यादा लगती है। और साथ ही आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, वो ये है कि आपको यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बेल्ट्स होती हैं जिन पर लोगों का अटेंशन इजीली आ जाता है, वो चमकने धमकने टाइप, आपको वैसी बेल्ट नहीं पहननी है, क्योंकि अगर लोगों का अटेंशन आपके मिडिल पोर्शन पर आएगा, आपका जो वेस्ट का एरिया है वहाँ पर आएगा, तो उससे लोगों को आपकी जो कर्वी बॉडी है वो इजीली दिख जाएगी, आपका जो राउंड शेप है वो इजीली दिख जाएगा। सो गाइज आप लोग हमेशा ट्राई करो कि आप हमेशा ऐसे कपड़े पहनो जिससे कि आपकी हाइट ज़्यादा लगे, आपकी बॉडी थोड़ी सी एंगुलर लगे और आप लोगों को कर्वी यानी कि ओवल ना दिखो। एंड गाइज जो हमारा फिफ्थ बॉडी टाइप है वो है
ट्रेपेजियम बॉडी टाइप जो कि सबसे ज्यादा डिजायरेबल बॉडी टाइप होता है। एंड ये जो बॉडी टाइप है ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। सो गाइज, अगर आपका जो बॉडी का शेप है वो ट्रेपेजियम है तो फिर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लासी, सबसे ज्यादा सेक्सी और सबसे ज्यादा किलर बॉडी शेप होता है, सबसे ज्यादा अमेजिंग बॉडी शेप होता है जो कि हर किसी को चाहिए। पर ये आपको आसानी से मिलता नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये आपको बनाना पड़ता है मेहनत करके, जिम जाके, एक्सरसाइज करके और खुद को फिट रख के। सो अगर आपका बॉडी का शेप ट्रेपेजियम है तो आप लोग कुछ भी पहन सकते हो, इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई डूज नहीं है, कोई डोंट्स नहीं है, आप लोग कुछ भी पहनो। बस एक चीज का ख्याल रखो कि आप जो भी पहन रहे हो उसकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जो भी आपने पहना है उसमें आपकी बॉडी दिखे, आपकी बॉडी का शेप दिखे और लोगों को पता चले कि आपकी जो बॉडी का शेप है वो ट्रेपेजियम है। सो गाइस, बहुत ही सिंपल सा वंडा है, जो भी पहनो फिटिंग का पहनो और एकदम किलर दिखो। तो मेरे स्वैगर भाइयों, अब से आपको कुछ भी अनाप शनाप चीजें नहीं पहननी है, आपको जो भी पहनना है अपनी बॉडी के शेप के हिसाब से ही पहनना है। तो आज की वीडियो में हमने बातें कर ली है कि आप अपने बॉडी के शेप को कैसे पहचान सकते हो, साथ ही आपको पता भी चल चुका है कि आप अपने बॉडी शेप पर किस टाइप के कपड़े पहन के बहुत ही ज्यादा कूल दिख सकते हो, बहुत ही ज्यादा किलर दिख सकते हो। तो गाइज, अब से आपको जो भी पहनना है अपने बॉडी के हिसाब से पहनना है और एकदम अलग इंप्रेशन बनाना है। वीडियो को वहीं पे खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिना लाइक किए मत जाना, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए ऐसे धमाकेदार वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अगर आप चाहते हो कि आपको जो आने वाली बहुत ही यूजफुल वीडियोज है मेरे चैनल पर अभी उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटा आइकन को जरूर दबा देना। और भूलना मत, बकवास करने वालों को गंदा स्टाइल देगा क्रूज, बाकी मेरे भाइयों को मैन्स का सलूट।